नमस्कार, पेशे खिदमत है बेरोजगार आरजे और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्या अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म रक्षाबंधन, जिसका ट्रेलर हो गया है रिलीज कुछ देर पहले ही, अभी देखा मैंने और ट्रेलर पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये फिल्म है कई मायनों में खास, क्योंकि ये कोई रीमेक नहीं है ना ही ये बायोपिक है। तीसरा, इस ट्रेलर में अक्षय कुमार ओरिजिनली बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो पिछली दो फिल्मों में देखने को नहीं मिले थे। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेलर में क्या है क्या नहीं है। तो कहानी घूमती है एक लड़के और उसकी चार बहनों के इर्द गिर्द, जिनकी शादी करानी है। शादी होगी या नहीं ये तो आपको ट्रेलर देखना पड़ेगा और उसके बाद फिल्म देखनी पड़ेगी। और उनकी शादी कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्षय को अपनी हीरोइन तभी मिलेगी जब बहनों की शादी हो जाएगी। क्यों, उसके लिए भी ट्रेलर देखना पड़ेगा। और जो अक्षय के अपोजिट है, जिससे अक्षय को शादी करनी है बचपन के प्यार से, वो है भूमि पेडनेकर, जो इस फिल्म में कमाल नजर आ रही है। अब पूरी फिल्म आनंद एल राय ने कितनी कमाल बनाई है ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगा। इस ट्रेलर में आपको इमोशंस मिलेंगे, आपको ड्रामा मिलेगा, आपको कॉमेडी मिलेगी। कुल मिला के अक्षय कुमार की फिल्मों से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है वो यहाँ पर आपको फुलफिल मिलेंगी, जो उनकी पिछली दो फिल्मों में नहीं देखने को मिली है। हाँ, अब जब पूरी पिक्चर आती है तो कई बार ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, फिल्म उतनी दमदार नहीं होती, लेकिन इसको कह सकते हैं कि लग तो रहा है ट्रेलर से कि फिल्म दमदार होगी। डायलॉग्स कमाल के हैं, आपको मजेदार डायलॉग हैं जो आपको सुनने में मजा आएगा। तो अगर आपने ट्रेलर देखा है तो अच्छा है, कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा। नहीं देखा तो देखो और बताओ कैसा लगा। इसको मार्क्स देने हो तो यार इसको दूंगा मैं 5 में से 3.5 मार्क्स। अक्षय की कॉमेडी टाइमिंग जो सुपर्ब है, आनंद एल राय डायरेक्टर है इसलिए भूमि पेडनेकर बहुत अच्छी लग रही है इसलिए, और बाकी वो नहीं बताऊंगा, वो तुम बताना मुझे कमेंट करके क्यों।